अजमेर की रामगंज थाना क्षेत्र स्थित गड्डी मलियान मोक्षधाम के नजदीक नाले में युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। गंदे सड़े नाले में अचानक दिखी लाश की सूचना रामगंज थाना पुलिस को दी गई। पुलिस क्षेत्रवासियों की सूचना पर मौके पर पहुंची और मौका मुआयना कर नाले से बड़ी मशक्कत के साथ शव को बाहर निकाला गया और शव को अपने कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया है। शव की शिनाख्त भजनगंज निवासी उमेश गुंडानी के नाम से हुई है, जो नशे का आदि बताया जा रहा है। पुलिस के अनुसार मृतक उमेश नशे के चलते गंदी नाली में गिर गया और उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने उमेश के पोस्टमार्टम के लिए शव को मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस हत्या व हादसे को ध्यान में रखकर मामले की तफ्तीश कर रही है। करीब 10:30-11 बजे सूचना मिली थी कि गड्डी मालियान मोक्षधाम है, उसके पीछे के गंदे पानी का तालाब है, इसमें कोई व्यक्ति की लाश तैर रही है। इतला के ऊपर मौके पर पहुंचे और मोक्षधाम की कमेटी के मेंबर और आसपास के लोगों की सहायता से डेड बॉडी को पानी से बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद में उस मृतक की पहचान उमेश गुरनानी नाम से हुई है, जो भजनगंज का रहने वाला है। कल सुबह 4 बजे घर से निकला था और वापस घर पर नहीं पहुंचा। डेड बॉडी को देखने से प्रथम दृष्टया मामला पानी में डूबने से मृत्यु होना लग रहा है, फिर भी डेड बॉडी को हॉस्पिटल भिजवाया गया है, जिसका पोस्टमार्टम करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। उमेश गुरनानी है, जो भजनगंज का रहने वाला है। प्रथम दृष्टया पानी में डूबने से ही होना प्रतीत हो रहा है, फिर भी पोस्टमार्टम कराएंगे। ड्रिंक करने का आदि था, घर वालों के बताए अनुसार ड्रिंक करता था, तो प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि नशे पते में गिर गया पानी में, गिरने से इसकी मृत्यु हुई है। कुछ नहीं कर रहा था, बेरोजगार था, कोई काम नहीं कर रहा था।